एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस बाय निशा राजपूत। कैसे हैं आप सब? और ये वीडियो आपके लिए संडे गिफ्ट है, मींस संडे स्पेशल है। इस वीडियो में हम कुछ जो स्टडी हम करते हैं उससे कुछ हटकर बात कर रहे हैं। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर कुछ आपसे ऐसी बातें की जाएगी जो हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। मीन्स ऐसी कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जिसको रियल में कहते हैं ना कि ये इंटेलिजेंट है, तो कुछ ऐसी बातें जो हम सबको पता होना चाहिए। तो इसीलिए इस जो वीडियो का टाइटल है वो क्या है, कुछ ऐसी बातें जो सबको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्राई करूंगी पूछने की। क्वेश्चन मैं रिपीट भी करूंगी, अच्छे से बोलूंगी, आंसर मैं यहाँ पे राइट करूंगी। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट राइट करती हूँ तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, जो बहुत मीन्स इतने ज्यादा हमें लंबी नहीं खींचनी। क्विक क्विक आंसर, क्विक क्विक क्वेश्चन, ठीक है? तो आप खुद भी अपने आप को असेस कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। हाँ, जिसको थोड़ा बहुत पता होगा, मतलब अच्छे से पता होगा, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत इजी रहेगी वीडियो, ऐसी बात नहीं है, बहुत से आंसर आते ही होंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे भी हैं जिनको अभी तक नहीं पता होता, सिर्फ एक दो बातें पता होती है, नहीं पता होता। लेकिन लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है मे बी आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता हो बट लास्ट के टू क्वेश्चंस ना आते हो। ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो नाउ स्टार्ट संडे स्पेशल, ठीक है? तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में आपके लिए रहेगा, हाउ मेनी टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे संसार में, इस पूरे संसार में कुल कितने देश है, हाउ मेनी टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और हम इस संसार के अंदर कुल कितने देश है। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए अपने मन में और आंसर कीजिए, देखते हैं अब कर चलते हैं आंसर पे। हमारे वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जो टोटल कंट्रीज है, संसार में जो कुल देश है वो है आपके 195। कितने हैं आपके? 195। और इसके अंदर 193 आपके स्टेट मेंबर है यूटी के, और 2 आपके स्टेट मेंबर नहीं है यूटी के, ठीक है? ये आपका आंसर क्या रहा, 195, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब क्षेत्रफल के अनुसार संसार में, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइए। और आपका आंसर रहेगा, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। कौन है? रूस मींस रशिया, ओके? आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू एरिया के मींस अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक है वर्ल्ड में। क्षेत्रफल के अनुसार संसार में इंडिया को कौन सा रैंक मिलता है, बताइए। और वो आपका है सेकंड रैंक। कौन सा रैंक है? सॉरी, आपका कौन सा रैंक है? वो आपका है सेवंथ रैंक। कौन सा रैंक है आपका? सेवंथ रैंक, क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा देश संसार का और विश्व का, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना। कौन सा है? चाइना, ठीक है? कौन सा है आपका? चाइना, जिसको हम बोलते हैं चीन, और जिसने कोरोना को इतना फैला दिया है कि हम सब घर के अंदर बंद हो गए हैं। कोरोना किसकी देन है? इसी की तो देन है ना, ठीक है? तो इसको तो भूल भी नहीं सकते। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार
हमारे भारत का, हमारे देश का कौन सा रैंक है वर्ल्ड में, मीन संसार में जनसंख्या के अनुसार हमारे देश इंडिया का कौन सा स्थान है? और वो आपका है सेकंड रैंक। कौन सा है आपका सेकंड रैंक, मीन सेकंड नंबर पे अकॉर्डिंग टू जनसंख्या हमारा आता है। जिस मीन्स मोदी जी को आपने सुना है ना, कहते हैं 130 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। तो कौन सा रैंक है आपका, वो रैंक है आपका सेकंड रैंक। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, भारत में कुल कितने राज्य हैं? हाउ मेनी टोटल स्टेट्स इन इंडिया, भारत में कुल कितने राज्य हैं? और अब कितने हैं आपके पास, 28। अभी भी बहुत सारे बच्चों को 29 आंसर पता है मींस, ठीक है, बट 28, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी क्वेश्चन जो सबको पता है, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है? हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है? और वो है आपके मिस्टर रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ये तो सबको ही पता है। लेकिन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ कोविंद जी जो आपके प्रेसिडेंट है, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? रामनाथ कोविंद जी जो आपके प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो कौन से नंबर के आपके प्रेसिडेंट है? और वो आपके कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, वो आपके हैं 14th नंबर के प्रेसिडेंट। क्लियर। मोस्टली हमें प्राइम मिनिस्टर का सबको पता है, बट ये नाम भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हमें करंट के पता है तो हमें फर्स्ट भी पता होना चाहिए, बीच वाले हम नहीं ले रहे, क्योंकि हमें कुछ ऐसी बातें सीखनी है जो हमें पता होना चाहिए। हमें उस कंपटीशन लेवल पे नहीं जाके प्रिपरेशन करना, हमें तो सिर्फ एक अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। वैसे तो देखो कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी नॉलेज ले लो, बट यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद, जो आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अभी का सबको पता है, तो फर्स्ट जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, सबको पता होना चाहिए। कौन, जवाहरलाल नेहरू। इजी क्वेश्चंस, एंजॉय, ओके। संडे को कुछ तो स्पेशल सीखिए ना, बहुत सी चीजें नहीं भी पता होती कभी कभी, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? और वो आपका कौन सा है, वो आपका है आरबीआई। कौन सा बैंक है, आरबीआई, और फुल फॉर्म क्या रहेगी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे हमारे पास ऐसा नहीं है, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि कब एस्टेब्लिश हुआ ये बैंक, बट हम अभी नॉर्मल बातें करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है वो आपका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन और वो आपका कौन है? शक्ति शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो आपके कौन है? शक्तिकांत दास. ठीक है, ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, कहने को छोटी सी है बट आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखा देगी, ऐसा नहीं है. और नेक्स्ट संडे हम कुछ और बातें लेके आएंगे जो हम सबको पता होनी चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच.